नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। एनसीसी लिमिटेड एक बहुत ही बढ़िया शेयर है मिड कैप कंपनी में, अगर आप देखेंगे तो एनसीसी लिमिटेड है और स्टॉक में थोड़ा भी गिरावट बन रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस स्टॉक को लेके क्या करना चाहिए, एनसीसी लिमिटेड को लेके वो डिस्कस करेंगे, इसका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसमें आपको भारी प्रोडक्ट और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसमें जो है आपको जेन्युइन सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज भी मिल जाता है। तो ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कैशबैक आपको अच्छा मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों ने इसका लिंक दिया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, रेटिंग ज़रूर दीजिए दोस्तों, स्नैपसी को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें दोस्तों। छः महीने के अंदर एनसीसी के शेयर का जो हाई प्राइस है 74.85 पैसा इसने बनाया है और जो इसका लो प्राइस है वो आप देख सकते हैं 53.05 पैसे का, एंड इसका रिटर्न जो है 6 महीने के अंदर 15.31% का रिटर्न दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को एनसीसी लिमिटेड के शेयर में देखने को मिला है 6 महीने के अंदर। वही बात करते हैं 3 मंथ्स के अंदर जो है स्टॉक का जो हाई प्राइस बनाया वो है 74.85 पैसे का, लो प्राइस बनाया 53.05 पैसे का, रिटर्न दिया है 21.03% का। वही बात करते हैं दोस्तों 1 मंथ के अंदर शेयर का जो हाई प्राइस है वो है 74.85 पैसे का, लो प्राइस है 65.75 पैसे का, रिटर्न है 7.52% का। 1 वीक के अंदर शेयर का देखते हैं आप तो 1 वीक के अंदर शेयर का हाई प्राइस बनाया 74.85 पैसे का, लो प्राइस है 70.80 पैसे का, एंड जो रिटर्न जो कि गिरावट में 5.41% का। एक दिन में बात करते हैं दोस्तों एनसीसी लिमिटेड के शेयर का, तो वो आप देख सकते हैं एक दिन में जो स्टॉक में गिरावट बना है जो कि 3.80% का गिरावट बना है। ओपन प्राइस जो स्टॉक में, ये स्टॉक जो ओपन हुआ था एक दिन पहले वो हुआ था 74.10 पैसे में, एंड प्रीवियस क्लोज था 73.60 पैसे का। हाई प्राइस बनाया इसने 74.50 पैसे का। वॉल्यूम शेयर का जो एनएससी का है वो आप देख सकते हैं जो कि है 27,84,560। एंड वही बात करते हैं बीएससी का जो इसका वॉल्यूम है दोस्तों, तो बीएससी में भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम शेयर में देखने को मिला है एनसीसी लिमिटेड का, वो है 1,24,950। तो अच्छा खासा स्टॉक में एक वॉल्यूम हम लोगों को देखने को एनसीसी का फिलहाल अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक में देखते हैं आप ग्राफ, तो इसमें जो आपको एक सेल सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक का देखते हैं यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल देखने को मिल जाएगा। वही बात करते हैं तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट शेयर मार्केट के उन लोग का मानना है कि गेल के शेयर में हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। ज़्यादातर एनालिस्ट दोस्तों शेयर मार्केट के उन लोग का मानना है कि गेल के शेयर में बाई करके चल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। जो एक टारगेट प्राइस दिया गया था वो था 89 रुपीज़ का दोस्तों, 89 रुपीज़ का एक टारगेट प्राइस दिया गया था गियोजित से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाई एनसीसी टारगेट प्राइस ऑफ 89 गियोजित। तो यहाँ पे 89 का जो टारगेट प्राइस दिया गया है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसको लेके। गियोजित हैज बाई कॉल ऑन एनसीसी विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹89। द करंट मार्केट प्राइस वो हम लोगों ने देखा है दोस्तों, टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट। तो जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई शेयर खरीदते हैं उसमें टारगेट प्राइस रखते हैं, वो देखना चाहिए कि कितना दिन के अंदर वो टारगेट प्राइस हिट हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन एनसीसी लिमिटेड प्राइस कैन रीच द डिफाइंड टारगेट प्राइस जो इसका है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ज़्यादा टारगेट प्राइस रखते हैं 89 रुपीज़ का, तो 89 रुपीज़ का हो सकता है कि आपको एक साल तक यहाँ पे लग जाए। अभी स्टॉक में एक गिरावट बना है, अगर आप स्टॉक अभी भी देखते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 73 के आसपास देखने को मिले। अगर आप ये शेयर में ज़्यादा समय होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो हो सकता है कि 73 रुपीज़ तक आपको ये शेयर देखने को मिल जाए। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हम लोग कह रहे हैं आपको जो ये शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे एनसीसी लिमिटेड का अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो 1990 में जो है इसको बनाया गया था, एक मिड कैप कंपनी है और मार्केट कैप जो है एनसीसी लिमिटेड का वो आप देख सकते हैं वो है 4,664.90 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका बिजनेस है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसका जो प्रोडक्ट्स हैं, तो एनसीसी लिमिटेड का जो प्रोडक्ट्स है वो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स रेवेन्यू सेगमेंट्स इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग 31st
मार्च 2022। तो ये लोग जो हमेशा जो सेवी को इन्फॉर्मेशन देते हैं उस केस में से ये दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि ज़्यादातर जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट हैं उन लोगों का मानना है कि ये स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। फोरकास्टिंग की बात करते हैं शेयर के प्राइस का दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग थोड़ा ऐसे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अगर स्टॉक का प्राइस जो है 28-32 के आसपास चल रहा था और ये शेयर जो है ज़बरदस्त से तेज़ी बनाए, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लगभग ये शेयर जो है 84 के पास भी पहुँच गया था, 94 के पास भी पहुँच गया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट बना और शेयर का प्राइस ये लगभग 56.85 पैसा बना और उसके बाद फिर से स्टॉक में एक तेज़ी बनाया था जो कि 74 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर पहुँच जाता। तो यहाँ से शेयर अगर एक बाउंस बैक या रैली दिखाता है, अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है यहाँ से अगर एक बाउंस बैक या रैली दिखाता है तो हो सकता है कि 73 से लेकर 74 के आसपास ये आपको एनसीसी का एनसीसी लिमिटेड का शेयर देखने को मिल जाए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट उन्होंने जब रिसर्च किया है तो इन लोगों का अच्छा खासा लगा कि ये शेयर आपको रिटर्न दे सकता है। और इसका अगर प्राइस का हम लोग फोरकास्ट देखते हैं, शेयर का प्राइस का जो फोरकास्ट है वो देखते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे जो है अगर शेयर में एक तेज़ी ज़बरदस्त बनता है मान लीजिए तो 2023 तक ये शेयर 132 रुपये तक पहुँच सकता है। और यहाँ पे 2023 तक शेयर में कुछ खास तेज़ी नहीं बना तो हो सकता है कि 99.54 रुपये के आसपास ही शेयर देखने को मिल जाए और गिरावट बनता है तो 75 रुपीज़ के आसपास। तो हमें लगता है कि दोस्तों अभी ये शेयर जो प्राइस में चल रहा है ये शेयर में खरीदारी करके हम लोग चल सकते हैं। अभी शेयर होल्डिंग की थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये शेयर है, तो शेयर होल्डिंग का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो मार्च 2022 में प्रमोटर्स के पास स्टेक था 19.68% का और जून 2022 में दोस्तों स्टेक बढ़ा के किया है 21.11% का। वही बात करते हैं FIS के पास स्टेक था 8.89% का मार्च 2022 क्वार्टर में एंड FIS के पास जो है स्टेक बढ़ा के किया है 9.77% का जून 2022 क्वार्टर में। DIS के पास स्टेक था 12.25% का और जो है यहाँ पे DIS ने स्टेक जो है घटाया है वो किया है 11.30% का। एंड वही बात करते हैं अदर्स के पास, दोस्तों अदर्स के पास स्टेक था 59.18% का और यहाँ पे जो अदर्स ने स्टेक थोड़ा कम किया है 57.82% का। तो देखिए अभी ये स्टॉक में जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इसके चलते अगर हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉक में अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए, तो फिलहाल स्टॉक का प्राइस अभी दोस्तों 69-70 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि ये शेयर अभी खरीदारी करके रखना चाहिए, थोड़ा समय होल्ड कर सकते तो ज़रूर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एक भारी कंपनी है, एक भारी शेयर है, कम प्राइस में मिल रहा है, यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि ये शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाए। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि आपको ये शेयर खरीदना है या खरीदना चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि NCC लिमिटेड के शेयर में क्या चल रहा है, NCC लिमिटेड के स्टॉक में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।